वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान एजुकेशनल चैनल। जैसे कि रिजल्ट लगने के बाद बहुत सारे बच्चों को कॉलेज का कोड पता नहीं होता है, इनटेक कैपेसिटी पता नहीं होती है, तो औरंगाबाद डिवीजन में जितने कॉलेज आते हैं उनकी लिस्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पे बैचलर बी या बी टेक आपको डिग्री मिलती है, औरंगाबाद रीजन है। टोटल इंस्टीट्यूट 29 मिलेंगे आपको, टोटल इनटेक कैपेसिटी 8,560। उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है औरंगाबाद का, इसमें आपको सिविल ब्रांच है, यहाँ पे इस्टेब्लिश ईयर दिया है, बहुत पुराना कॉलेज बच्चों सिविल इंजीनियरिंग के लिए, 1960 में 60 इंटेक कैपेसिटी है, सीएस एंड इंजीनियरिंग 60 इंटेक कैपेसिटी बच्चों, सभी मॉडलिंग और को एजुकेशन है, ठीक है। इसके आईटी के लिए बच्चों 60 इंटेक कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 60 इंटेक कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन 60 कैपेसिटी है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60। तो औरंगाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में 360 इंटेक कैपेसिटी है। उसके बाद में श्री गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नांदेड़, सॉरी इसमें कुछ नांदेड़ की भी कॉलेज आ गए, थोड़े से गलती से आ गया, ये ऑलरेडी मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन नांदेड़ के कॉलेज में दी थी। हाँ ठीक है, इसमें हम लोग औरंगाबाद नांदेड़ भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कॉलेज बहुत ही फेमस है, पता होगा यस जी जी यस, है ना, ये कॉलेज जो है सिविल इंजीनियरिंग बच्चों इसके, ये कॉलेज में 60 सीट है, सीएस एंड इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60 सीट है बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिकल टेलीकम्युनिकेशन 120 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 40 सीट्स है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट्स है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है बच्चों, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 है। टेक्स टीटी जो ब्रांच है बच्चों इसमें 66 है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, इसमें फूड टेक्नोलॉजी 10 सीटें बच्चों इंटेक, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए 12 सीटें, 22 सीट से बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ कॉलेजेस दिए वाले हैं, उस कॉलेज को मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे, मुझे आप लोगों को स्क्रीनशॉट निकाल सकते इसकी, ठीक है। श्री यश प्रतिष्ठान कॉलेज ऑफ औरंगाबाद यहाँ पे, इसके सिविल इंजीनियरिंग के लिए 120, सीएस और इंजीनियरिंग के 60 सीट है बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 60 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट है। मंडल महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद जीएस मंडल, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बच्चों 30 सीट है, सिविल के लिए यहाँ पे 60, सीएस के लिए यहाँ पे 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 60 है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग के लिए 60 है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट है, और सिविल के लिए 60 है। देवगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडी औरंगाबाद बच्चों, ये कॉलेज के जो सर थे उनका वीडियो जरूर देखना, यहाँ पे हमने इन्वाइट किया था डॉक्टर उल्ला शूर का सर, बहुत फेमस कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट है, सीएस एंड इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 120 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट है, सीएस एंड इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, 540 सीट है, और बहुत ही बढ़िया कॉलेज है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों हमारे पास और भी मातोश्री कॉलेज है बच्चों, ये नांदेड़ में मातोश्री कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ये यूनिवर्सिटी के बाजू है, मतलब वो विष्णुपुरी के वो साइड में आता है, सिविल इंजीनियरिंग है 60 सीट है, सीएस एंड इंजीनियरिंग के लिए बच्चों 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 30 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 60 है, स्किल टेक्नोलॉजी के लिए 300 सीट है यहाँ पे। यहाँ पे ये औरंगाबाद का कॉलेज है, मैं ज़्यादा पढ़ते नहीं बैठूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सीट्स यहाँ पे 60 सीट सिविल के लिए, सीएस के लिए यहाँ पे 120 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 60 सीट है, 120 मैकेनिकल के लिए, और 60 सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। महात्मा गांधी मिशन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हिंगोली नांदेड़, है ना, हिंगोली रोड पे है, नांदेड़ में एक कॉलेज है बच्चों, इसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 120 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 60 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बच्चों यहाँ पे एमएस भिवड़े इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ लातूर, लातूर का कॉलेज है बच्चों, यहाँ पे इंटेक कैपेसिटी 60 है, सीएस के लिए 60 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60 है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है।
सिविल इंजीनियरिंग के लिए बच्चों 60 सीट से इस कॉलेज में तेरना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानाबाद यहाँ पे 60 सीट से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन 60 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 90 सीट है, 270 सीट से श्री तुलजा भवानी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तुलजापुर ये कॉलेज में 60 सीट से बच्चों, सी एस इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट से, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए 60 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 30 सीट है, 210 ऐसे सीट है। महात्मा विश्वेश्वर अंबेडकर के कॉलेज बच्चों सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, सीएस के लिए 60 है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 60 सीट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल एंड इंस्ट्रूमेंट 30 सीट है सॉरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है। पीपल एजुकेशन सोसाइटी औरंगाबाद ये कॉलेज में बच्चों आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, सीएस के लिए 90 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 90 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे आप लोगों को 30 सीट है और मैकेनिकल इंजन के लिए 60 सीट है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद इसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट है, सीएस के लिए 60 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियर 60 सीट है, 150 सीट से बच्चों। आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बीड़ का कॉलेज बच्चों सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, सीएस के लिए यहाँ पे सॉरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 60 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 60 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 60 है, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 60 सीट है और मैकेनिकल के लिए 60 है। नागनाथपा का ये परेली का कॉलेज है, परेली बीड कॉलेज है, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए 90, सीएस के लिए यहाँ पे 30, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास जालना का जो कॉलेज है मसूदरी कॉलेज है, हमारे जो शिक्षा सॉरी आरोग्य के जो मंत्री है हमारे राजीव जी टोपे साहब इनका कॉलेज है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 60 सीट से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 30 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है। श्री साई सामाजिक विकास संस्थान ये जो कॉलेज है बच्चों ये आपको औरंगाबाद में है, ये पांडरी विलेज दिया है आपको है ना, तालुका औरंगाबाद जिला औरंगाबाद है यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 30 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है। आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल उस्मानाबाद का 30 सीट से बच्चों सिविल के लिए 30 सीट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीन के लिए 30, मैकेनिकल इंजीन के लिए। औरंगाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कॉलेज बच्चों नायगांव सांगी में कॉलेज है औरंगाबाद का, इसमें सिविल के लिए 36 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 15 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 54 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन 15 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 54 सीट है। मराठवाड़ा शिक्षण प्रसारक मंडल श्री शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग परभनी का कॉलेज है बच्चों, शिवाजी कॉलेज मतलब ये जो देवगिरी कॉलेज है इनका ही कॉलेज है ये, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग के लिए 60 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है। विलासराव देशमुख फाउंडेशन ये लातूर का कॉलेज है, हमारे जो सीएम थे विलासराव देशमुख जी पहले उनका कॉलेज बच्चों, और तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, कंप्यूटर के लिए 60 सीट है, सिविल 60 सीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 60 सीट है, 60 सीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ग्रामीण टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कैंपस नांदेड़ इसके जो सीट से बच्चों सिविल इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट है, कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे 45 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 90 सीट है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास और लातूर का एक कॉलेज आ गया STMEIS है ना, संदीपानी टेक्निकल कैंपस है बच्चों, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, कंप्यूटर के लिए 60 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है और मैकेनिकल के लिए 60 सीट है बच्चों। एक कॉलेज अच्छा है औरंगाबाद का CSMESS है ना, शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद अच्छे, हमारे पास यहाँ पे उल्लास शिंदे सर आए थे उनका कॉलेज, उनके कॉलेज भी अच्छा कैंपस है, आप लोग जाके देख सकते हैं औरंगाबाद में पैथन रोड पे। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 120 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 सीट से, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन 60 सीट से बच्चों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 सीट है। यहाँ पे AI अच्छी ब्रांच है बच्चों, डेटा साइंस 60 सीट से। ग्रामीण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विष्णुपुरी में है बच्चों, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 है और यहाँ पे फायर इंजीनियरिंग सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट है। तो ये डेटा पूरा का पूरा आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, न्यू है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें
और ये पूरे ऐसे ही ये मराठवाड़े के पूरे कॉलेजेस थे कि पूरे कॉलेज की मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर।